अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले क्लास में मैंने आपको मैथ्स की बेसिक सिखाई थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन का बताया था। अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं उसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी डिटेल में। और एडिशन जो है वो तो ईजी होता है, सबको समझ आ जाता है। मेन जो चीज़ होती है वो सब्ट्रैक्शन की होती है, जो बहुत प्रॉब्लम करती है, बच्चों को समझ में नहीं आती है। मैं आज आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। सब्ट्रैक्शन जो है वो हम माइनस करने को कहते हैं, निकालना, इसकी ये साइन होती है, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, 2, 5, 4, 1 माइनस। और ये भी इसी तरह इसी वे में होगा, इस वे में कोई भी सम नहीं होगा, ठीक है। तो हम लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, फिर एडिशन में हमने दोनों लाइंस को जो है वो काउंट किया था, दोनों वैल्यू को काउंट करके हमने टोटल किया था। इसमें हमें ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से माइनस करना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म से माइनस करना है। तो ऊपर वाली टर्म 5 है, अब इसमें से 4 को हम काट देंगे। कितना बचा हमारे पास? 1। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। जैसे ये 2 है तो उसमें से हमने 1 काटा, हमारे पास कितना बचा? 1। ये हम लिखेंगे 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो होती है, टर्म 1 को टर्म 2 से माइनस करना होता है, ठीक है। अब बच्चों के लिए आसान तरीका ये कह सकती हूँ कि ये हमारे पास पैसे मौजूद हैं, जैसे ये हमारे पास जो रकम अवेलेबल है और ये हमें खर्च करनी है, यूज़ करनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म होगी वो हमारे पास मौजूद है, और नीचे वाली टर्म से हमें कुछ ख़रीदना है, या आप एग्जांपल के तौर पे कह सकते हैं कि इसमें से हमें कुछ लेना है। तो इसलिए हम, फिर हमारे पास 5 रुपये हैं और इसमें से हमने 3 रुपये की चीज़ ले ली, हमारे पास कितने बच्चे? 2 बच्चे। तो ये बहुत ईजी तरीका होता है बच्चों को समझाने का, इससे बच्चे आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी तब आती है जब ऊपर की टर्म बड़ी हो और नीचे, ऊपर की टर्म छोटी हो और नीचे की टर्म जो है वो बड़ी हो। जैसे हमारे पास ऊपर 4 है और नीचे 5 है, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करें? ये हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाजमी बात है कि ऊपर की टर्म को ही यूज़ करना है, नीचे से हम ऊपर माइनस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू इस तरह दी जाती है, लाइक 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। तो हम, अब ये हमारा पड़ोसी कह लें या पेरेंट्स कह लें, हम ऐसे बच्चों को समझाते हैं तो बच्चे जो है इजी वे में समझ जाते हैं। तो हम अपने बराबर वाले से कैरी लेंगे, हम उससे उधार लेंगे, ठीक है। हमने 1 उधार ले लिया और यहाँ हो गए 5, ठीक है, और यहाँ हो गए 14। अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में से 5 रुपये की चीज़ हम ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, कितने बचे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बचे। और ये 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 में से 3 कट किए, 2 बचे। तो ये इजी वे है कि वन टर्म जो होती है, पहली जो टर्म होती है वो हमारे पास अवेलेबल है और दूसरी टर्म का हमें यूज़ करनी है। तो हमें कुछ ख़रीदना है, ख़रीदने के लिए हमारे पास पूरे पैसे होने लाजमी है। अगर ना हो तो हम बराबर वाली से कैरी लेके कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो या कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं ये वीडियो डिटेल में दोबारा बनाऊंगी। बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकूं। और मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।